हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया है, कोशिश करूँगी कि पूरा व्लॉग कंटिन्यू कर पाऊँ, देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू कर पाती हूँ। सुबह का टाइम है, मम्मी यहाँ पे नहा के पूजा कर रही थी तो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी, और यहाँ पर मम्मी सूर्यदेव को जल भी चढ़ा रही थी, तो ये सारी बातें मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। ऐसे मम्मी यहाँ पर करती हैं, अपने घर में भी करती हैं और यहाँ पर भी वैसे ही कर रही हैं। यहाँ पे मम्मी जा रही हैं नीचे जल चढ़ाने शंकर भगवान को, नहा धो के तैयार हो गई हैं मम्मी। पर अचार सब्जी रोटी आज आपका टिफिन, मम्मी ने जो अचार बनाया है आपके लिए, मिर्ची का अचार। ऑल द बेस्ट रोज करती है। एग्जाम देने जा रहे हैं क्या? अब क्या भूल गए? पीछे टंगा तो है वो काला, और क्या टिफिन कहाँ है? बैग खुला हुआ है पीछे जो टंगा है। ओके बाय। लिफ्ट आ गई। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। 11:30 बज रहे हैं और मम्मी पापा अभी अभी कहीं गए हैं, कुछ काम था उनको, सो वो अभी अभी बाहर निकले हैं और हम पीहू घर पर हैं। वर्मा जी ऑफिस चले गए थे और मैं क्या कर रही थी, मैं अपने बालों में कॉम कर रही थी। पीहू को नहला के तैयार कर दिया है, नानू नहीं है तो पीहू कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पीहू नहा के तैयार हो गई, अब नानू आएंगे तो नानू के साथ प्ले करेगी ना। लूडो प्ले करेगी। तो चलो ठीक है, टिफिन तो वर्मा जी को सुबह बना करके दे ही दिया था। आज आलू पत्ता गोभी की सब्जी रोटी बनी थी और अभी दाल बन जाएगी बस, तो पीहू और नानू खाएंगे। और आज हमारे लंच के लिए बनने वाले हैं चावल के फरे, यानी कि फरे वही भकुसुआ दनकोसा जो बोलते हैं वही, लेकिन चावल वाले। तो मम्मी मेरे लिए बनाने वाली हैं, उसके लिए मम्मी ने रात में दाल चावल भिगो दिया था और वो अभी उसको सुखाने के लिए रखा गया है। चावल का आटा बनाया जाता है, इनकेस आप लोग के पास चावल का आटा है तो आप शायद ऐसे भी बना सकते होंगे, लेकिन हम लोग घर पर ही पीसते हैं, मम्मी पीसती हैं उसको। और चने की दाल भी भिगो दी है तो उसका वो फिलिंग स्टफिंग बनेगा। तो चलो फिर अभी मैं बालों को बांध लेती हूँ, और मैं सुबह से मिली नहीं थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और क्या, और तो कुछ नहीं। क्या ले आए पापा जी? पोटैटो आ गया पीहू, अनियन भी तो था। तो यहाँ पे गाजर का अचार मम्मी बनाने जा रही है, देखें थोड़ा सा इसको लाओ, जाली में रखते हैं तो सूख कपड़े में सूख जाएगा। आता है ना यहाँ पे सबको छिला छिलाया? नहीं छिला छिलाया नहीं भाई, समोचा सेकंड में समोचा हमारे पास है, मतलब पहले था अगर ना तो ले आते। यहाँ पे ये दाल जो है वो पीस ली गई है और ये गार्लिक को अच्छे से कूट लेंगे, फिर इसमें छौंकेंगे। ये आपके मायके की डिश है ना? मम्मी के मायके की इलाहाबाद। ये है चावल का आटा और उससे बनाया जाएगा। कुछ करो
तो अब यहाँ पे ये जो है बॉयल हो रहा है, ये बन रहा है, इधर गाजर जो है वो सूख रही है ये जगह से। तो गाइज़ यहाँ हमारा लंच बनके तैयार है, देसी घी और हींग के अचार के साथ मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही यम्मी डिलीशियस सा डिश है। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी बनाने जा रही थी गाजर का अचार, तो ये गाजर का अचार जो है उसके लिए कुछ खड़े मसाले डाले हैं यहाँ पे, और भून करके और ऐसे कुछ तो बनाया है मम्मी ने, तो वही मैं थोड़ा थोड़ा ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको भी नहीं, शाम का टाइम है और सारा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। कल वाले वीडियो पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो भी आपको मैं सामने बैठ करके बताने वाली हूँ, तो दिल थाम के बैठिएगा, आज आपके क्वेश्चन के आंसर दूँगी। और कल वाले वीडियो को लाइक किया उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि मतलब अच्छा भी बोला, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, दोनों ही साइड हैं, बट कुछ बातें होती हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी होता है, सो वो शेयर कर। ये क्या है? ये करेले का मसाला, इसको कहते हैं करेले का मसाला। इसमें क्या, कौन कौन से मसाले होते हैं इसमें? वो है सौंफ, कलौंजी, मेथी, सारा पिसा हुआ एक साथ, दलदला। और ये है पीली सरसों पिसी हुई, ये मम्मी पीस के लेके आई है पीली सरसों। अब इसको ढक, यहाँ पे कपड़ा लगाया जा रहा है, ढक रहे हैं जिससे कि ये पक भी जाए, लेकिन कपड़ा इसलिए लगाया है कि पानी ना इसमें टपके, मतलब भाप ना बने, भाप बनेगा वो पानी टपके ना इसमें। हाँ, पानी जो है ये रख, आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद में हमें इसको चला लेना है, और महक अच्छी आ रही है पर एकदम गलाना नहीं है जिससे कि सब्जी की तरह गले, ऐसा नहीं करना है। पूजा हो रही है, पूजा में ध्यान लगाइए। आज अब जल्दी आने वाले हैं, आ तो गए जल्दी। अच्छा अच्छा, समय से खाना खाओ, थोड़ा घूमो, रात को 9 बजे खाना होता है। आप 9 बजे कब खाए खाना? चाय पोगी तो? कैसा बना है अचार? बहुत बढ़िया। बढ़िया? वर्मा जी को ऑफिस से आते ही भूख लग गई। मम्मी क्या कर रही हैं? ये मेथी कटिंग, ये बहुत बड़ा वाला काम है, बैठ करके मेथी तोड़ना काटना है ना, टाइम टेकिंग वाला है काम। तो वर्मा जी ऑफिस से आ गए थे, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले डिनर कर लिया था, उन्हें भूख लगी थी, और यहाँ पे मैं उनको गुजिया देने जा रही हूँ कि डिनर के बाद वो गुजिया खा। सो गाइज, अभी जस्ट मैं अपना वीडियो एडिट कर रही थी, तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हम कितने भाई बहन हैं, मैं अपने भाई के यहाँ क्यों नहीं जाती हूँ, मेरा भाई कहाँ रहता है, और मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा इस व्लॉग का मैं एडिटिंग कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए, मेरा एक भाई है जो कि US में रहते हैं, अमेरिका में, और मम्मी पापा वहीं जा रहे हैं US से, और मैं क्यों नहीं जाती हूँ, देखिए अभी बहुत टाइम से ये कोविड चल रहा था, सो हम लोग नहीं जा पाते हैं, मतलब इस तरह से इतने पैंडेमिक में कहीं भी जाना इतना ईजी नहीं था, फ्लाइट्स बंद थी, वो सारी प्रॉब्लम थी, और पिछले 3 साल से भैया भाभी भी नहीं आ पा रहे हैं। लास्ट वो आए थे जब मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी, अगर आपने देखा होगा तो मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी के वीडियोज़ में आपको मेरे भैया भाभी दिखेंगे, अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो वो वीडियोज़ आप चेकआउट करिए, शिमला में शादी थी, वो सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे। और इसीलिए मैं नहीं जा पाती हूँ, इसीलिए मैं उनसे मिल नहीं पाई हूँ, वो मेरे वीडियोस में आपको नहीं दिखे हैं, लेकिन जब भी वो फ्यूचर में इंडिया आते हैं या हम जाते हैं तो मैं आपको ज़रूर उनसे मिलवाऊंगी। पहले मैं सोच रही थी हम लोग भी, मैं जाने के लिए, मेरा भाई मेरे को भी बुला रहे थे, लेकिन अभी इतनी जल्दी ईजी नहीं होता है कहीं इधर से उधर ट्रैवल करना, लाइक मतलब फॉरेन जाना, बाहर जाना, वीज़ा वगैरह की ज़रूरत होती है, सो इसलिए इसी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मेरा वीज़ा नहीं बना हुआ है।
बस यही बात है और क्या, और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपने भाई से नहीं मिलती हूँ या लड़ाई दंगा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ऐसा कुछ मत सोचिए, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, लाइफ में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती हैं सबको, अच्छे से उसको इंजॉय करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलो भाई, अभी मुझे लगता है आप लोग के क्वेश्चन के आंसर्स मैंने दे दिए हैं और इस वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आज के वीडियो को भी आपने लाइक किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मेरा एक ही भाई है, मैं एक बहन हूँ, हम एक भाई बहन है। ये पहले भी मैंने बताया है, ये इसका आंसर तो मैंने पहले भी दिया है, ठीक है। तो चलो फिर इसका एंड करती हूँ ब्लॉग का, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी कल अच्छे से ब्लॉग के साथ। चलिए, टेक केयर, बाय बाय बाय।